पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल के तत्वावधान में 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। सभी बड़े उत्साह के साथ बम बम भोले ओम नमः शिवाय के जयकारे लगाते हुए मंदिर परिसर में प्रवेश कर दूध जल शहद बेलपत्र से अभिषेक करते रहे। 9 बजे संगीता वर्मा, सुनीता छाबड़ा, मंजू भटनागर, मधु, अनीता शर्मा, सुषमा सक्सेना आदि ने मिलकर ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप का प्रारंभ किया, जो प्रातः 11 बजे तक चलता रहा। सनातन परंपरा में भगवान शिव की पूजा कार से की जाती है। कोई उनकी मूर्ति की पूजा करता है तो कोई शिवलिंग की। शिवलिंग में भी उनकी पूजा कई तरह से होती है, लेकिन इन सभी शिवलिंग में पार्थिव शिवलिंग पूजा अत्यंत ही शुभ और भगवान शिव से मनचाहा वरदान देने आने वाली मानी जाती है। प्रातः 11 बजे से सामूहिक पार्थिव शिवलिंग पूजन प्रारंभ हुआ। प्रत्येक यजमान द्वारा 108 पार्थिव शिवलिंग बनाए गए। सामूहिक पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आशियाना स्थित दिव्यलोक आश्रम में प्रारंभ हुआ, जिसमें उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने भामी मिट्टी से बने 108 पार्थिव शिवलिंग बनाए और रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक के उपरांत भगवान भोले की आरती की गई और उपस्थित श्रद्धालुओं ने व्रत का प्रसाद भंडारा ग्रहण किया। जिन श्रद्धालुओं ने पार्थिव शिवलिंग पूजन रुद्राभिषेक में भाग लिया, उनको विशेष उपहार प्रदान किए गए। पार्थिव शिवलिंग पूजन रुद्राभिषेक पंडित वीरेंद्र जोशी और पंडित संतोष ने मिलकर संपन्न कराया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं और समिति सदस्यों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से सहयोग किया। आज शिवरात्रि महाशिवरात्रि का जो है माँ रुद्राभिषेक का कार्यक्रम था और ये बड़ी धूमधाम से हम कई सालों से मनाते चले आ रहे हैं और इसमें पार्थिव शिवलिंग का पूजन होता है विशेष रूप से और ये मिट्टी भी विशेष रूप से होती है और 102 पेयर जो है बैठ के पूजा करी, इसका विशेष महत्व है। और जैसा कि सब लोगों ने देखा और सबको बड़ा उत्साह रहा इस पूजा का और इसमें और दिन पर दिन बढ़ोतरी होती जा रही है और आगे भी मैं समझता हूँ काफ़ी लोग इसमें बैठ के पूजा पाठ करेंगे। कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस रुद्राभिषेक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि ये विशेष जो है शिवरात्रि का पूजन है और सब लोग मिलकर करते हैं तो इसकी विशेष महत्व बढ़ जाता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।